हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग को लगा था मैं मुंबई आके बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मेरा भी ऐसा ही कुछ इंटेंशन था, लेकिन मुंबई आके मैं सब भूल गई हूँ। व्लॉग्स बिग्स कुछ याद ही नहीं आते, इतने कजिन्स और रिलेटिव सब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो उसमें मेरा पूरा टाइम चला जा रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू व्लॉग और डू एनीथिंग। आप लोग को पता होगा जो वुडवर्म्स जो रहता है पूरा छोटे छोटे चींटी जैसा रहता है, पूरा वुड को खा जाता है अंदर से, पूरा पुखला साउट कर देता है। तो यहाँ का मास्टर जो बेडरूम है उसका पूरा वार्डरोब का पूरा वुड उन्होंने खा के पूरा सत्यानाश कर दिया था, तो उसके वजह से उन्होंने पेस्ट कंट्रोल कराया, तो पूरा घर यहाँ पर अभी भी आपको शेड्स में सब मार्क्स दिख रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि पूरा उन्होंने स्प्रे किया था। वो वुड उसका वीडियो मेरे माने भेज के देना, मेरे पूरे रूम पे खड़े हुए, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा ये हो गया था। ये उन्होंने क्या क्या बिल्डर्स ने कुछ तो एक ऐसे जस्ट इसके ऊपर लॉफ्ट नहीं है तो लॉफ्ट के वहां पे बीम आता है, लेकिन कबोर्ड के अंदर से बीम के पीछे का पार्ट उन्होंने खाली रखा है, वो हमको पता नहीं था। तो इन्होंने कुछ तो नॉर्मल सा कुछ तो प्लाईवुड लेके उन्होंने ब्लॉक करके रखा था एंड उसको हमको लगा था कि वो सीलिंग या ऐसा कुछ रहेगा बोल के हमने भी छोड़ दिया, बट उस उन्होंने जो बिल्डर ने जो प्लाईवुड से ब्लॉक किया था इट वाज नॉट अ गुड प्लाईवुड, तो उसमें पूरा सा वो कीड़ा आकर वो पूरा अंदर से पोखला होके यहाँ पे मेरा एक फोटो रखा था, वो फोटो में जरा तब इन्होंने ध्यान दिया कि ये आया है करके, तो उन्होंने एक साइड से कुछ तो इसे खरोद के देखा तो उसके अंदर पूरा वो जब कपड़ क्लीन करके आया तो पूरा वुडवर्म था। तो जो पेस्ट कंट्रोल वाला आया था उन्होंने बोला कि इतना ज्यादा है तो ये बाकी भी सारे रूम पे गया होगा, यू शुड चेक करके। देखा तो किचन के प्लाई में चला गया, दूसरा जो सेकंड बेडरूम है उसके प्लाई में चला गया, लेकिन सेकंड बेडरूम का इतना भी नहीं होता, किचन में भी चला गया था, तो पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा घर है ना। अभी उन्होंने कहा कि 2 इयर्स तक वी कांट पेंट दी हाउस बिकॉज अगर ये रिटर्न आता है तो विद इन 2 इयर्स वो वापस आ जाता है। सो अभी 2 ईयर हुआ नहीं, तो दे आर वेटिंग कि 2 इयर्स के बाद पूरा घर का पेंटिंग कराएंगे बोलकर, क्योंकि पूरे से दाग दाग होकर पूरा खराब हो गया। अभी पेंटिंग में शायद और 1 ईयर का टाइम लग जाएगा, तो उतना टाइम तक ये करने का ये नहीं था एंड सोफा सब भी बहुत खराब हो रहा था, तो मैंने बोला कि ठीक है कुछ रिफर्बिश कर देते बोलकर, थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए पापा को बोला कि मिनिमम बजट में मैं कुछ करके देती हूँ घर का। तो अभी पूरा घर सत्यानाश हुआ पड़ा बिकॉज आई एम अरेंजिंग 1 month थिंग्स, किचन भी सब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सब कुछ नीट एंड टाइडी है बट ऑर्गेनाइज नहीं है, और मम्मी को भी कैसा भी उम्र हो गया तो उनको ज्यादा झुक के उठ के सब करने को उनको डिफिकल्ट होता है, तो किचन में ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ जो उनको इजिली एक्सेसिबल हो एंड सब कुछ ईजिली कर पाए। तो उसके पीछे मैं बिजी रह गई, तो सब वो कारपेंटर लोग आ रहे थे, वो सोफा वाले आ रहे थे, तो उनके पीछे बस ऑल बिजी। मैं उनके एक 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 क्लिप्स दिखाऊंगी आप लोगों को, तब आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं। अब जब मैंने क्लीनिंग चालू किया मेरा घर का, मैंने क्लीनिंग चालू किया बाहर से पूरा झाड़ निकाल के, मेरी माँ को झाड़ों का बहुत 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 ज्यादा शौक है, प्लांट्स का एंड एवरीथिंग का उनको बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन उनको मेंटेन के बगैर उन्होंने क्या किया था ना, लाइक सब अच्छा उसका क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर, अच्छा फर्टिलाइजर बनता है बोल के एक का जो पील है देन ओनियन पील है वो सब कुछ लेके आके उसके अंदर डाला था, सो उस वजह से वो स्टिंग करने लग गया था एंड देन इट वॉज ग्रोइंग नाइस बट एवरीथिंग वॉज स्टिंकिंग, तो मैंने ऑलमोस्ट सबके सब उठा के बाहर फेंक दिया। अभी मम्मी आने वाली है तो आई एम वेटिंग फॉर टू कैप्चर हर रिएक्शन कि कितना मुझे गाली देती है, मेरे को एक्चुअली डर है कि कुछ लेके मुझे मार भी ना दे, इसलिए मैं कैमरा लेके खड़ी रहूंगी ताकि वो बोलते ना उनका जो पावर डोज रहेगा मुझे गाली देने का वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेट्स सी क्या होता है, पता नहीं कभी भी अभी एक दो घंटे में आती होगी। मैंने मेरे बड़ी वाले को बोला तेरे नजर तो विंडो में टिका के रख, जब तंगू आई बस मुझे इशारा दे देना मैं कैमरा लेके भाग के आ जाऊंगी। एंड हियर शी कम्स, अभी उसका रिएक्शन देखते हैं मम्मा का कैसा रिएक्शन आने वाला है। इसमें से कुछ भी अंदर उठा के रखना मैं घर छोड़ के चला जाएगा। कड़ीपत्ता का जान इतना बड़ा करने के लिए कितना तकलीफ कर दे तुझे पता है कि गाली देगी मैं बड़ा बड़ा क्या कर रहा है मैं इधर आ रही हूँ उधर उड़ी मार रहा है मैं उड़ी मार रही इधर के ग्रिल खा के मैं उड़ी मार रहा ये सब मर गया मम्मी झाड़ सब तो एक कैसे झाड़ हालत में जा रही इधर से
अरे अपना चेहरा तो दिखा स्वीट 16 है ना, चेहरा देखने दे स्वीट 16 का। वो सब तो धोके रखा नसीब समझ में। मैं सोचा पहले वो भी फेंक दूं क्या, तुझे मैं उठा के फेंकने वाली है बेचारी, तू आई कहीं के लिए ऐसा बोला ना, मैं जा रहा है जा चकरे बांग हमको पा अजीत अजीत सर मैं कौन तो कितना सुंदर है, तो नाटी नहीं है भूखी कौन था ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കണം എന്നിട്ട് മൊത്തം ചെടി വെച്ച് വീടൊക്കെ വാങ്ങിയ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ബംഗ്ലാവ് അതുകൊണ്ടാ പറയണത് ഫ്ലാറ്റിലൊന്നും ഇത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എത്രയും വെക്കാൻ പറ്റോ അത്രയും വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മമ്മിക്ക് അതിലെ കൂടെ ചാണകരിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാതെ പ്രേമിനെ പ്രേമിനെ തോടുത്തേട്ടാ ഉത്തര നീ ചൂത്തറവി ചണ്ട എവിടെ സ്റ്റൈൽ വെച്ചാ കുടി ഉടക്കി ഉടക്കി പോയല്ലേ അത് ഉത്തര ഉദർശ मम्मी को रोने को भी आ रहा है तंगू इज क्राइंग गुड्डा सी शी इज क्राइंग बिकॉज़ आई हैव थ्रोन हर ऑल हर प्लान्स ले जा जा तो उतर उधर से अरे डबर्ड है मार गुड्डा She'll put you also down. वो खुद तो गिरेगा तेरे को भी लेके गिरेगा उतना ही है कॉर्नर में अभी कुछ नहीं है उधर कुछ नहीं है इल्ला कारण नहीं लाड़ दा उड़ा बच्चे क्या मैं उधर नीचे रहने उसके ऊपर क्यों रख रहा है दिखता नहीं बोलेगा तो पूरा वो ये बूस के ऊपर पूरा रस्ट हो गया वो वॉश अपना एसी का विंड के ऊपर रखे उधर नीचे रख दे उधर से पालिका लेके इधर रखता है मैं इधर प्रॉब्लम मिल रहा है ले अयो बाब हमको कभी ऐसे पप्पी दिया है क्या झाड़ को पप्पी देते बैठा है अयो ये एक झाड़ अच्छा था इसलिए मैंने रख दिया जो यहाँ पे अच्छा था वो वाला रख दिया खराब था वही फेंका है हाँ वो दिख रहा भी अच्छा था इसलिए मैं रख दिया रो ना मम्मी मेरे को मालूम था आएगी तो आज मेरे को धोएगी करके मैंने ताने को एक घंटे से बिठा के रखा था वहां पे वो जैसे ही आई ना मैं बोला देख के रख आई ना वैसे ही कैमरा ऑन करके पकड़ लिया तो मम्मी गाली देने को कि कंट्रोल कर लिया फिर से गाली देने को के कंट्रोल कर रहा रो रहे थे कैसा आ? मेरे शादी में रोए थे क्या मम्मी खुश थी कितना जा रहे तू साला पोटा अपन अच्छा झाड़ लगाएगा आपने तो रिएक्शन देखा ही मेरा मम्मी का रिएक्शन कितना ज़बरदस्त आया मेरा भाई इतना ज़्यादा खुश हो गया कि मैंने सब उठा के फेंक दिया बोलकर लाइक ही लिटरली हग्ड मी एंड किस्ड मी कि बोलते हैं कि प्लीज़ तू 6-6 महीने में हमेशा आती रहे एंड मेरे माँ ने तो मेरे पति को बोल दिया मैं फुल टैंक पेट्रोल डाल के दे दी तू चला जा इसको लेके वापस ये तो शुरुआत है अभी घर से बहुत सारी चीज़ें बाहर जाने वाली है हमको देखना है कि मैं घर को कैसे पूरा रिनोवेट करती हूँ बजट में कैसे मैं इसको ये करती हूँ तो बिंटा चिकन सी नॉटी माय नॉटी गर्ल माय नॉटी गर्ल अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब सी इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन डोंट वरी बी हैप्पी